दरवाजा बाहर से तो बंद है, इसका मतलब दोस्त कहीं गई होगी। लेकिन कहाँ गई होगी? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? हे भगवान, काय को रोक रहे हो हमको? अरे तुम कौन होते हो हमको रोकने वाले? तुम्हारा परिवार तो पहले ही इसको छोड़ चुका है, और ये कौन लगती है तुम्हारी? हाँ, चलो जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं मानोगे तुम। जय बाबू, हमका माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। जय बाबू माफ कर दो, हम जा रहे हैं। जी हम चलते हैं, कुछ काम रह गए। ए वकील, तुम कहाँ जा रहे हो बे? ये जायदाद जब तक हमरे नाम पर नहीं हो जाता ना, इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे, समझे? लेकिन 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 कुछ नहीं, जितना बोल रहे हैं उतना ही सुन। ये जायदाद को अपनाने के लिए बहुत कुछ किया, साला जुल्म के दलदल में फंस गए। जायदाद को अपनाने के लिए अगर दुनिया में किसी को मारना पड़े ना, तो हम मारने के लिए तैयार हैं, समझे? इसलिए अपना दिमाग दौड़ाओ, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। और कहे कि हम अपने हाथ में आए प्रॉपर्टी को बिट्टो के पास जाते नहीं देख सकते, और कहीं गलती से चला गया ना तो तुम्हारा वकालत भुलवा देंगे तुमको। और अगर हमारा ये काम हो गया, पैसे से इतना लाद देंगे कि कभी जिंदगी में कोई दूसरा केस नहीं लड़ना पड़ेगा। अगर आप बिट्टो का साइन किया हुआ पेपर हमको लाकर देंगे, तो हम उसको बनाकर दे देंगे। उसके ऊपर आप उसका अंगूठा लगवा दीजिए कैसे भी करके। अगर इतना आप कर सकते हैं, तो ये जायदाद आपके नाम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं चलता हूं। संभालो अपने आप को दोस्त, ऐसे हारने से कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं कि तुम्हारे सामने समस्याएं ज्यादा है, एक के बाद एक बस विपत्तियां ही आ रही है तुम्हारी जिंदगी में। इस समय में जिन लोगों को तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था, वही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। लेकिन देखना दोस्त, इस मुश्किल समय में ही रास्ता निकलेगा।
हमको तो इस जनार्दन से ज्यादा गुस्सा अपने घर वालों पर आ रहा है, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से उस जनार्दन की इतनी हिम्मत हुई। जनार्दन जैसे घटिया लोगों को मार पीट कर तो हम अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन लेकिन अपने घर वालों पर समझ में नहीं आ रहा अपने घर वालों के साथ क्या करें। हम जाने तो आप हमारे लिए बहुत ही परेशानी उठा रहे हैं। आज अगर आप सही समय पे नहीं आए होते तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। सिर्फ तुम्हें नहीं दोस्त, ठाकुर परिवार के लोग भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। सब तो यही कहते हैं कि इतना इतना रौब जमा कर रहने वाले ठाकुर परिवार के लोग अपनी बहू की इज्जत भी नहीं बचा सके। और हम ये भी जानते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कुछ होता तो उसका सारा इल्जाम वो तुम्हारे ही सर पर थोपते। बहुत अच्छी तरह से पहचान चुके हैं हम सबको, लेकिन पता नहीं वो लोग तुम्हें कब पहचानेंगे, कब आंखें खुलेंगी उनकी। दोस्त, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अभी और भी समस्याओं से गुजरना होगा, लेकिन तुम डरना मत, हम तब भी तुम्हारे साथ थे और अब भी तुम्हारे साथ हैं। सारी मुश्किलों का साथ में मिलकर सामना करेंगे। काहे हमारे लिए इतनी परेशानी उठा रहे हैं? ये तुम कैसी बात कर रही हो दोस्त? दोस्त हैं हम तुम्हारे, क्या हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं जय, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप पर और आपके घर वालों पर कौनो मुसीबत आए। घर के लोग तो हमसे रिश्ता तोड़ ही चुके हैं, अब आप हमसे रिश्ता बनाकर उनका परेशानी मत बढ़ाइए। देखो, वो हम कुछ नहीं जानते, हम बस तुम्हें इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। उन घटिया लोगों का कैसे सामना करोगे तुम? हम जानते हैं कि ये लोग हमें चैन से ना ही जीने देंगे, इसलिए हमने सोच लिया है हम हमारे माँ बाबूजी के पास चले जाएंगे, अपने रज्जो दीदिया के साथ रह लेंगे। अब तो बस जिंदगी गुजारनी है ना, गुजार लेंगे। हाँ दोस्त, हम भी यही चाहते हैं और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, लेकिन हम बोलते बोलते चुप काहे हो गए? दोस्त, तुम अपने माँ और बाबूजी के घर पे नहीं जा सकते, मुश्किल है दोस्त। हमारे माँ बाबूजी के पास काहे नहीं जा सकते? आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं का? तुम्हारे माँ और बाबूजी का कुछ दिनों से कुछ अता पता नहीं है, किसी को कुछ बताकर भी नहीं गए, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। सर पकड़ कर काहे बैठे हैं? अरे ऐसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, सोचिए, कुछ सोचिए। अपना मुंह बंद रखोगी तब कुछ सोचेंगे ना? अरे हम अपना मुंह बंद कैसे रखे? वो थकीन टोला वाली हमारा कुंडली खराब करने पर लगी है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हम ही लोग उसको घर से निकाले थे ना, अब खुद ही फंस गए अपने जाल में। अरे वही तो हमको भी लग रहा है, कहीं हम लोगों ने अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी नहीं मार लिया? वैसे भी अगर उसका अंगूठा का निशान चाहिए तो उसको तो इस हवेली में लाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। अरे हमको नहीं पता, उसे आप जानिए, लेकिन जमीन हासिल करने के लिए वो बिट्टो रानी का अंगूठा होना बहुत जरूरी, इतना हमको पता है बस। आप ही जानिए, मतलब नाक रगड़े जाकर उसके सामने, उस छोट जात की लड़की के सामने जाकर भीख मांगे? एक बार ध्यान से सुन लो, उसको वापस लाने के लिए ना हम उसका खुशामद नहीं करेंगे। के लिए कहा कह रहे हो? अंधे को का चाहिए दुई आँख, और बिट्टो रानी को का चाहिए? एक सुरक्षित छत, और इससे अच्छा सुरक्षित छत उसको एक बार वो यहाँ आ जाए ना तो हमारा काम भी हो जाएगा और मौका भी मिल जाएगा उससे पिछला सारा हिसाब चुका। बाबूजी तो घर पर ही रहते थे,
फिर अचानक काहे चले गए? ऐसा कौन सा गलती हो गया है हमसे जो हर कोई हमरा साथ छोड़ रहा है, हर कोई अकेला छोड़कर जा रहा है हमें। पहले तेज तेज हमें छोड़कर चले गए, और अब एक ही सहारा बचा था, उन्हें भी साथ छोड़ दिया हमरा। अभी दुनिया में ना ही रहना है, हम मर जाएंगे, हम कोई नहीं है हमरा, नहीं जीना है हमें, नहीं रहना है दुनिया में हमें। ये तुम कैसी बात कर रही हो बिट्टू? खबरदार जो कभी ऐसी बात की तो। देखो अभी ऐसा मत समझना कि इस दुनिया में तुम अकेली हो, जब तक हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो जाए। कहे हमरा साथ दे रहे, जब भगवान ही हमें ऐसा सजा दिए तो ये सजा हम अकेले ही भुगतेंगे। और अब तो एक ही जगह जा सकते हैं हम, जहां तेज जा चुके हैं वो एक ही शरण बचाए हमरे लिए, वही जाएंगे हम। इतना कमजोर भी मत बनो, देख लीजिए आप लोग। लीजिए अपना आंखों से और कानों से सुन भी लीजिए। अरे शर्मा काहे गई, अरे चलने दीजिए, जरा इन लोगों को भी तो देखने दीजिए कि देवर भाभी का रिश्ता कितना मजबूत होता है। ऐसा मिसाल तो ढूंढने से नहीं मिलेगा। देखिए देखिए अपनी आंखों से देखिए कि कितना बड़ा पाप हो रहा है। अरे बड़े भाई को गुजरे हुए अभी कुछ दिन हुआ है और छोटा भाई विधवा भाभी के साथ रंगरलिया मना रहा है। जनार्दन बंद कर अपना मुंह और आगे कुछ मत बोलना। अरे हमारा मुंह बंद करने से क्या होगा जय बाबू? अरे तुम जो गुल खिला रहे हो ना, ये सारा गांव देख रहा है। जबान संभाल कर बात कर जनार्दन, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। देखो गांव वालों देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे अपना पाप पकड़ा गया है तो हमको चुप रहने को कह रहे हैं, अरे मारने का धमकी दे रहे हैं हम। ये गांव समाज है, यहाँ पर बहू बेटियां रहती है, अरे आपका ही कुकर्म से का असर पड़ेगा उन लोगों पर? और हमरा होते हुए हम ये पाप ये गांव में नहीं पलने देंगे। भगवान के लिए हम पर झूठा इल्जाम मत लगाइए, हम भी किसी के घर की इज्जत है, हमारी इज्जत ऐसे मत उछालिए। आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। पापी जनार्दन है, यही पापी है। एक छोड़ जात की लड़की हमसे मुंह लड़ा रही है, हमको हमको पापी बोल रही है। बराबर है, बोल सकती है। अरे ठाकुर साहब का लड़के का बल पे जवान चल रही है ना। लेकिन गांव वालों आप लोग देख लिया है ना कि पापी कौन है, कौन गलत है और कौन सही है? हाँ हाँ अपने आंखों से देखा है, ये लड़की झूठ बोल रही है। जनार्दन इसका मुंह बंद कर बाखर, तू ये मत सोचना कि तेरा पाप दब जाएगा। गांव वालों सच तो ये है कि ये इस बिचारी के अकेले होने का फायदा उठा रहा है। अरे फायदा कौन उठा रहा है, ये तो सब गांव वाले देख चुके हैं। सच बात तो ये है कि कल रात भर तुम यहीं थे। बोलती काहे बंद हो गई? हम झूठ बोल रहे हैं तो बोलिए, इसी के साथ थे ना रात भर।
कहा था, लेकिन तुम गलत सोच रहे हो और तुम्हारी इस गंदी सोच का मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो गांव वालों, हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। अपनी गंदी जुबान बंद नहीं करोगे तुम? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। गांव वालों को भ्रम में मत डालो। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, सच तुम्हारे मुंह से निकल आया है। अब ज्यादा बहसबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग जल्दी से विचार कर लीजिए कि इसको क्या सजा देनी है। विचार करने वाली का बात, गाल बाहर करो इनको, जब तक जहां रहेगी ना मन भर जात बिगाड़ेगी। ये औरत तो न जाने कितनों का घर उजाड़ देगी। हाँ हाँ, बर्बाद कर देगी ये सबको। अरे जय बाबू को तो छोड़ो, इस औरत को तो कुछ सोचना चाहिए। औरत जात का अपना कुछ मान मर्यादा होता है। हर वाला चल बसा तो अपने देवर के साथ ही रात रसना शुरू कर दिया इसने तो। जय को अपने जाल में इसी ने फंसाया होगा। अगर आज इसे छोड़ दिया तो यह कल किसी और पे भी अपनी नजर डाल सकती है। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे ऐसा। गांव के सर पर मुसीबत है ये औरत, इसलिए इसका मुंह काला करके गांव से बाहर निकाल दिया जाए। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही किया जाए। तो बस हो गया आप लोगों का फैसला, तो इस शुभ काम करने का अधिकार हमको मिलना चाहिए। होते हुए तो बिट्टो को छू भी नहीं सकते। अरे देख कर रहे हो, पकड़ो इसको। छोड़ो छोड़ो मुझे। का राजा हो या प्रधान, जो भी कुकर्म करेगा उसको ऐसी ही सजा मिलेगी। छोड़ दो मुझे, इसके मेरे के हाथ काट कर फेंक दूंगा मैं। अरे देख कर रहे हो, इस उल्टा औरत को धक्के मार के गांव से बाहर निकाल दो, ताकि कोई और ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करे। जाओ पकड़ो। जल्दी से कुछ करिए, नहीं तो ये लड़की हमारा सपना को लेकर ना गांव से निकल लेगी। क्या हो रहा है सब? रुद्र बाबू, ये आपके घर का नहीं गांव का मामला बन चुका है। और जो औरत अपने पति का गुजर जाने के बाद देवर से रिश्ता शुरू करेगी, उसे हम गांव में नहीं रहने देंगे। हाँ, कभी नहीं रहने देंगे। भैया ये लोग गलत समझ रहे हैं, ये जनार्दन जानबूझकर किसी चीज का बदला निकाल रहा है, बिट्टो से भी और हमारे परिवार से भी। अरे अब तो चुप रहिए ना आप, इस सब सुनने से पहले हमारे कान काहे नहीं खराब हो गए। अरे अब सफाई देकर क्या फायदा, अरे सब तो पहले सोचना चाहिए था, सब करने से पहले की खानदान की इज्जत का क्या होगा। अरे ये छोट जात की लड़की को तो हम पे पहले से ही भरोसा नहीं था, लेकिन आप, अरे आप तो समझदार थे ना देवर जी,
सारी का दिन दिखाए बुआ जी और बाकी के घर वालों पर का गुजरेगी। भाभी आप जय 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 तुम दोनों चुप बैठोगे कि नहीं? ये हमारे घर के अंदर का मामला है और इसको हम घर के अंदर ही निपटा लेंगे। गांव वालों के सामने बहस करके कुछ मतलब नहीं। वाह रुद्र बाबू वाह, दूसरे के घर का मामला हुआ तो वो गांव का मामला बन गया और जब अपने घर की बात आई तो घर का मामला हो गया। अब ये पूरे गांव का मामला है और इस लड़की की सजा हमने सुना दी है कि इसे धक्के मारकर गांव की सीमा से खदेड़ दिया जाए। कौन बोल रहा है रे? हाँ जनार्दन तू बोल रहा है, भूल गया तेरी औकात और तू हमारे सामने बात कर रहा है, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह के सामने चिल्ला कर बात कर रहा है। गांव की भलाई के लिए हम किसी के भी सामने खड़े हो सकते हैं। ए! कितनी गांव की भलाई की परवाह है तुम्हें? नहीं हमें बहुत अच्छे से पता है, इसलिए तुम अपने जबान बंद रखो। और तुम लोग, यहाँ कोई नौटंकी नहीं चल रहा है, चलो निकलिए यहाँ से। ए! चलो कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे रुको, ये सब लोग बकवास कर रहे थे। चुप! बहुत बकवास सुनली मैंने तुम दोनों की और तुम दोनों ने मिलकर बहुत इज्जत मिट्टी में मिला दी खानदान की। जब तक बाबूजी लौट कर नहीं आते इस परिवार के कर्ता धर्ता हम, इसलिए हम बोल रहे हैं कि बिट्टो हवेली वापस चलेगी। अरे ओ बिट्टो रानी, अब यहाँ खड़े रह के काहे अपने खानदान की नाक कटा रही हो? चलो बाकी का बातें हवेली में जाके होगा। चलिए जी। महारानी जी का आदर सत्कार करिए, आरती उतारिए तब अंदर आएंगी ये। हमें कुछ काम है, हम जरा जाकर आते हैं। आप कहीं यहीं पर खड़ी रहोगी? अरे का तुम ये तो नहीं चाहती हो कि तुम्हारा आरती करके पूरा आदर सत्कार के साथ तुमको घर का भीतर लाए? ये सब नहीं होगा हमसे यहाँ। लेकिन बुआ जी, नहीं चाहते हैं कि हम इस घर में आके ये घर को अपवित्र करें और उनके आदेश के बिना। बुआ जी का आदेश का बहुत बड़ा है तुमको? जब घर के बाहर रहकर मुंह पर काले कुतवा रही थी तब आदेश का जरूरत नहीं पड़ा तुम्हें। चुपचाप अंदर चली चलो, बुआ जी को हम समझा देंगे कि ये घर का बाहर लेके इज्जत का धज्जी उड़ाए उससे अच्छा तो घर पे ही है। नहीं भाभी, आप भी हमें गलत समझ रही हैं। हम ऐसा कछु नहीं करेंगे जिससे इस परिवार का सर नीचा हो और इस परिवार की परेशानी का कारण भी नहीं बनना चाहते हैं। आप गलत समझ रही हैं। तुम्हें क्या लगता है, घर का बाहर रहकर तुम हमको बहुत आराम दे रही थी? अरे महारानी, एक गलत फहमी में मत रहना कि तुमको हम घर में इसलिए लाए हैं कि इस घर में ला के तुमको हम बहू का दर्जा ले दें। अरे घर की इज्जत बचाने के लिए हम तुमको यहाँ लेकर आए हैं।
तुम्हारा दर्जा छिरक नौकरानी का है इस घर में। और इससे ज्यादा तुम हो भी नहीं सकती इस घर की कुछ, समझी? भाभी, बिट्टो इस घर की बहू है, इसलिए वो इस घर में एक बहू की तरह ही रहे, नौकरानी की तरह नहीं। जो बिट्टो का हक है, जो उसकी जगह है, वो उसे जरूर मिले। अरे बस करिए ना दीपक जी, काहे इसका तरफदारी करते हैं? और इसका तरफदारी कर करके तो अपने खानदान का इज्जत बर्बाद कर दिया। आपको ये लड़की से जो रिश्ता रखना है रखिए, बहुत प्रेम से रखिए, लेकिन इस घर पे और इस गांव से बाहर। अगर इतना ही फिकर है ना आपको ये लड़की का, तो ले जाइए ना इसको अपने साथ इस गांव से बाहर। आप तो शहर के हैं, तो ले जाइए इसको शहर में, लेकिन ये नाटक यहाँ मत करिए। हाँ ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो यही सही। मैं बिट्टो को लेकर। बस बहुत हो गया अजय, अगर तुम चाहते हो कि हम चैन की जिंदगी जिए तो हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। हमारे लिए सबसे झगड़ा मोल लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। भाभी, आप जो चाहेंगे हम वही करेंगे, जैसा कहेंगी वैसा ही रह लेंगे इस घर में, नौकरानी बनकर भी। शुक्र है जल्दी अकल आ गया तुमको। चलो जाकर आराम करो, और तुम्हें कोई कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ने कहा ना, हमें हमरे हाल पर छोड़ दीजिए, हमने फिक्र करने की कौनो जरूरत नहीं है आपको। साफ करो, चलो।
चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बर्तन के बाद तुमको कपड़ा भी धोना है, समझी? सुगंधा वाह, अब तो पूरा मौका मिल गया है अपनी भड़ास पिट्टो रानी पे निकालने का। ना ही माँ जी घर पर हैं और ना ही तेज देवर जी रहे जो उस पिट्टो रानी को बचा सके। किस बात का लड्डू फूट रहा है मन में? लड्डू तो फूट ही रहे थे, लेकिन वो लड़की जब से इस घर में बहू बनकर आई थी ना, तब से हमारी आंखों में कांटे की तरह खटक रही थी। अरे हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक छोट जात की लड़की हमरी देवरानी बनकर यहाँ घूम रही। दिखाई दिए ना उसको उसकी असली औकात, बना ही दिया है उसको इस घर की नौकरानी। लेकिन तुम भूल रही हो, नौकरानी असली में इस घर की रानी है और तब तक रहेगी जब तक इस कागज पर उसका अंगूठा नहीं लग जाता। अरे छेड़िए, जब बिट्टो रानी यहाँ आ गई है तो अंगूठा लगवाना कौन सी बड़ी बात है? बात बड़ी तो नहीं है, लेकिन जरा संभल कर, मैं किसी का डर नहीं है, बस जय का। अगर उसको इस बात का भनक भी लग गया ना, हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अरे जय देवर जी को छोड़िए, हम इतनी सफाई से इन कागज पर उसका अंगूठा लगवाएंगे ना कि बिट्टो रानी को तो भनक भी नहीं पड़ेगा। तो जय देवर जी का चीज है। जाओ बिट्टो रानी, जिस जायदाद पर तुम कुंडली मार के बैठी हो ना, वो जायदाद खुद अपने हाथों से मुझे दे दोगी और तुम्हें खुद पता भी नहीं चलेगा। नींद मर कहां जान पाओगी कि तुमने कहां किस कागज पर लगाया है अंगूठा। खड़ी खड़ी का कर रही हो? भाभी सारा काम हो गया है, कुछ काम बचा है तो बता दीजिए। क्यों? महारानी साहिबा को कहीं जाना है का? अरे सारा काम का आज ही खत्म करोगी? हमारी सेवा से तुमको इतना कष्ट हो रहा है कि सारा काम आज ही खत्म करके स्वर्ग सिधारना चाहती हो तुम? भाभी हम, अरे बस अब काम कर ना जान देने का जरूरत नहीं है। अरे नौकर चाकर तो हम वैसे ही छुट्टी दे रखे, अगर तुमको कुछ हो गया तो काम कौन करेगा? वैसे थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए।
दूध। नहीं भाभी, हमको नहीं चाहिए। अरे पी लो, नहीं तो कहोगे कि हम निर्दयी हैं, खाने पीने को नहीं देते। लो पी लो। असर कर गई। सोलो, आज चैन का नींद सोलो। आज का बाद शायद ही तुमको ऐसा मौका मिले, क्योंकि एक बार कागज पे तुम्हारा अंगूठा का निशान लग जाए ना, फिर तुमको हम रहने थोड़ी ना देंगे इस हवेली में।
करने आए थे, आप यहाँ क्या कर? झूठ बोल रही है। अगर ऐसा होता तो आप इस तरह छिपते हुए नहीं जाते। शर्म लिहाज भी कोई चीज होती है देवर जी। अभी तक तो गांव वाले कह रहे थे, लेकिन हम सच नहीं माने थे। लेकिन लगता है कि वो सच ही कह रहे थे। पर ना आप यहाँ इतनी रात गए क्या करेंगे? हम यहाँ बिट्टो को दवाई देने आए थे। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आप कुछ गलत करने आए थे? हम जानते हैं आपको बहुत चिंता रहता है उसका, इसीलिए आए थे ना। लेकिन एक आदमी एक औरत का इतना चिंता तभी करता है जब वो उसको अपना मानता है। अब कुछ 19-20 तो होगा ना उनका बीच में। आपका ये जो 19-20 है ना, ये रिश्ते में नहीं होता, आप जैसे लोगों के दिमाग में होता है। इस बारे में हम आपसे बहस नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर जान चुके हैं कि आप यहाँ पर किसी दूसरे मकसद से आई थी। आप हम पर शक कर रहे? अरे हमको आप पर शक होना चाहिए था। अरे इतनी रात गए, कोई आपको यहाँ देखेगा तो उसको भी शक होगा ही ना। उल्टा चोर सीना जोर ना बनिए। वैसे भी गांव भर में इज्जत का बंटा थोर करती है और घर में भी यही कर। देवता का पूजा के दिन यही साड़ी पहना था। अरे सुगंधा, अरे तुम यहाँ कपड़ा को झाड़ फूंक रही हो और हमारा टेंशन में बीपी बढ़ता जा रहा है। अरे काहे सवेरे सवेरे चिल्ला रहे? अगर बीपी बढ़ गया है ना तो रामदेव बाबा के पास चले जाइए ना। तुम ही से बात करने आए और ये सब जो हो रहा है ना वो तुम्हारे वजह से ही हो रहा है। बहुत 30 मार्का बनी थी ना, कल रात का प्लान जो चौपट हो रहा था वो भी तुम्हारी वजह से। ये तो अच्छा हो गया कि जय को सिर्फ शक हुआ है, सच्चाई पता चल जाता ना तो आज हम जेल में पत्थर तोड़ रहे होते। अरे हम पर चिल्लाने का जरूरत नहीं है,
अगर बात हमारी वजह से बिगड़ा था ना तो हमारी वजह से सुधरेगा। अरे एक मौका गया तो क्या हुआ, दूसरा मौका आ जाएगा ना। आप भी ना छोटे छोटे बात पर ना अपना माथा मत खपाए। अरे सर खपाए नहीं तो क्या करें, एक एक मिनट भारी पड़ रहा है हम पर। अब जो भी करना है जल्दी करो, राय को जय को शक हो गया हम पर। अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अब बस बिट्टो का अंगूठे का निशान ले लो तुम। अब चाहे घी सीधी उंगली से निकालो चाहे टेढ़ी, बात तो बराबर है। ये लो पेपर। अरे घी तो हम निकाल ही लेंगे, अब इतना काम तो हमको आता ही है। ठीक है जय को हम संभाल लेंगे, इसे बाहर भेजने का इंतजाम करते हैं जाकर। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है। तुमने दवाई लिया नहीं? नहीं। दवा से क्या दुश्मनी है तुम्हारी, दवा क्यों नहीं? अरे तुम यहां क्या कर रही हो? चलो जाओ अंदर, सुगंधा को चाय दे दो। बाबूजी के ना रहने से सारे काम का बोझ हम पर अकेले पर आ गया, और अकेले इतना काम संभालना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। अरे जय तुम घर पर ही हो ना, और तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है, पटवारी के साथ कोर्ट तुम ही चले जाओ। कहा है कि हमको आज बहुत काम है, हम नहीं जा पाएंगे। पटवारी आ रहा होगा, तुम जाकर तैयार हो जाओ। और ये सब जरूरी काम के लिए कोई अपना जाना चाहिए। भैया आप अच्छी तरह से जानते हो कि हमें ये कोर्ट कचहरी के चक्कर बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी आप हमें उसमें घसीट रहे हो। ठीक है, अब जिस घर में जन्म लिया है उसकी अच्छाई और बुराई दोनों ही भोगना होगा। जय तुम जा रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ जा रहा हूं। चाय? हाँ हाँ वहां रख दो। अरे ठहरो, बहुत जल्दी है क्या तुमको जाने का? हम जाने के लिए ना ही कहे तुम। तुमसे कोनो काम था? हाँ हाँ एक जरूरी कागज पर तुम्हारा अंगूठा लगवाना था। अंगूठा लगवाना है किस लिए? अरे हमसे सवाल करोगी? ये मत भूलो कि इस घर में तुम नौकरानी हो, मालकिन नहीं हो, और अंगूठा लगाने से तुम्हारा कुछ चला नहीं जाएगा। जितना कहा गया है ना उतना ही करो, समझी? अरे ऐसे क्या खोज रही हो? वो जो पेपर आप दिए थे ना बिट्टू का अंगूठा लगाने के लिए, वो तो हम यहाँ टेबल पे ही रखे थे, ये कहाँ चला गया? कोई भी चीज अगर तुमको दे दो तो संभाल कर तो रख नहीं सकती, अब उसको ढूंढो जल्दी। भाभी आप परेशान मत होइए, जब मिल जाएगा तब अंगूठा लगा देंगे। अरे तुमको बीच में बोलने के लिए कौन बोला है? अरे इसको छोड़ो अपना देखो और ढूंढो पेपर को जल्दी। इस गांव में क्या कर रहा हूं मैं? कुछ नहीं, और अब काम भी मिला है तो कोर्ट कचहरी का, यही सब रह गया मेरी जिंदगी में। अपना करियर छोड़कर ये घर के लफड़े संभालते रहो, यहां जाओ वहां जाओ भागते रहो, बस इस घर में अब बिल्कुल मन नहीं लग रहा मेरा। जितनी जल्दी हो सके मुझे शहर निकल जाना चाहिए, लेकिन बिट्टू को इस तरह अकेले छोड़कर जा भी तो नहीं सकता मैं।
लिखा हुआ है? इसमें का लिखा है और का नहीं ये तुमको सुगंधा बाद में बता देगी, हमको बहुत लेट हो रहा है। चलो अंगूठा लगाओ। गए नहीं अभी तक, यहाँ क्या कर रहे हो इतनी देर से? जा रहा हूँ भैया। दोस्त हमें जरा सुई धागा दे दो ना, हमारी शर्ट का बटन टूट गया है। अरे इसको काहे परेशान कर रहे हैं, अरे दूसरा शर्ट पहन लीजिए ना। आपको देरी हो रहा है ना, बटन बाद में लग जाएगा, ठीक हो अभी काम है। भाभी दूसरे शर्ट पे प्रेस नहीं हुआ है और फिर जल्दी जाना है इसीलिए तो कह रहे हैं, ये जब से यहाँ खड़ी है इतने में तो बटन लग गया होता। अरे पर ये को काम है इसलिए तो यहाँ रोके हैं हम। यहाँ पर काम है मतलब? अरे काहे, हमरे कमरे में कोई काम नहीं हो सकता कहीं को? लेकिन भाभी बटन लगाने में 2 मिनट भी नहीं लगे, उसके बाद जो भी काम होगा करवा लीजिए। चलो दोस्त। थप्पर का खड़ी हो, जाकर देखो पीछे, बिट्टो को जय को बोलना दे। अरे लाइए इस शर्ट हमको दे दीजिए, हम लगा देते हैं, जल्दी हो जाएगा। दोस्त तुम अपने आप को इतना क्यों गिरा रही? तुम इस घर की बहू हो, कोई नौकर नहीं। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, जब तुम भाभी के कमरे में थी तो भैया और भाभी तुम्हें ऐसा कौन सा काम करने के लिए कह रहे थे? बहुत परेशान लग रहे थे दोनों, हमें ऐसा लगा कि हम जैसे ही वहां पहुंचे उन्होंने बात को बदल दिया। हे प्रभु, अगर ये लड़की अंगूठा लगाने वाला बात बता दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बोलो दोस्त ऐसा कौन सा काम करने के लिए कह रहे थे? वो लोग कह रहे थे कि अरे बिट्टो रानी कहाँ मर गई तुम? रुको दो, पहले हमारी बात का जवाब दो। भाभी जी बुला रही हैं, हम आपको बाद में बताएंगे, अभी जाने दीजिए ना, भाभी नाराज हो जाएंगी। आखिर भैया और भाभी के दिमाग में चल क्या रहा है? जरूर कोई ना कोई बात है। ये निशान तो स्टैम्प पैड के इंक का निशान है, लेकिन ये बिट्टो के अंगूठे पर कैसे है? आपको देरी हो रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ है।